मैंने उस बौद्ध पद्धति में योग जिसको डायरेक्ट तारा माता को वशिष्ठ भगवान ने जब 1000 साल तारा माता की पूजा की साधना की और उन्हें तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई तो तारा को शाप करने लगे, तारा माता को शापित करने लगे। तो उनके पिता ब्रह्मा ने आकर कहा ठीक ठीक है जब ऐसा मत कर। तो उन्होंने कहा क्यों, जो प्रत्यक्ष नहीं हो रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको चीना यान में कर, जबकि हम देवयान और वेद वेद के माध्यम से चलते हैं। चीना यान क्या होता है, चीना में बौद्ध पद्धति थी और बौद्धों की देवता तारा कहलाई जाती। तो उस पद्धति के अनुसार अगर तुम करते हो, क्योंकि बृहस्पति को देवता मानते हैं, चीना में बौद्धों में बृहस्पति की श्रेष्ठता कहलाई गई और बृहस्पति के माध्यम से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। और तारा को भी वशिष्ठ भगवान के कहने पर चीना यान में जब आराधना की तो उनकी रक्षा हुई। तो मैं ये ढूंढने लगा इस बृहस्पति को किस तरह प्रत्यक्ष किया जाए जो बृहस्पति तारा के उस दृष्टि मंत्र को बोलता है और हमारे ऊपर कोई बीमारी हाव हावी नहीं होती या किसी भी प्रकार की बीमारी देश में उत्पन्न हो, पर्टिकुलरली या हम चीन में जो उत्पन्न हुई उसका ऊपर हमारे ऊपर असर ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं इन 4 दिनों में कम से कम 22 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत में एक निर्णय को आया जिसमें शाक्यमुनि गौतम महाबुद्ध ने कहा था कि हम पर मोक्ष का प्रभाव पड़ता है और मोक्ष का प्रभाव निकाल देने से हमारे ऊपर ये बीमारी हावी नहीं होती। मैंने देखा फिर बाद में लगा कि हमारे पूरे इस वर्ष में बृहस्पति अपने 5 दूसरे ग्रहों के साथ चांडाल योग में बैठे हुए हैं और उसके कारण सारे संसार में इसका प्रभाव जा रहा है। तो उस बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तब देखा संयोग वर्ष आज 7:40 को ब्रह्म श्यामृत योग आया है और ब्रह्म श्यामृत योग में वो लोग कहते हैं कि वट वृक्ष पर बृहस्पति का अधिकार है। हम अगर वट के पत्ते पर हल्दी से सत्य निकाल कर उस विशिष्ट मंत्र से उस पत्ते को श्रेष्ठता के साथ अपने पास रखते हैं और उसके ऊपर उस सत्य को ऊपर पानी डालकर इस गुरु शामृत योग में अपने घर में देते हैं और उस पर डाला हुआ पानी अपने छिड़कते हैं अपने घर में छिड़कते हैं तो ऐसा वायरस कोई नहीं आता, ऐसा चीना यान में तारा तर तारा ग्रंथ में कहा गया है। फिर उसके अनुसार इसे कौन से मंत्र से अनुष्ठित किया जाए जो हमारे पास रखने पर इसके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं होता। तो उनका कहना है कि कोरोना आएगा ही नहीं, ब्रजेश बृहस्पति के प्रणालियों के कारण इस रोग की व्याप्ति हुई उस रोग को व्याप्त नहीं कर सकते। जो वटवृक्ष के पत्ते पर अपने पास रखकर हल्दी से शक्ति बनाते हैं और उसके ऊपर विशिष्ट माया का प्रयोग करते हैं, विशिष्ट मंत्र का उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर प्रयोग होता ही। अब होता है मंगोलियन एक मंगोलिया के राजा थे जिनका नाम चंगेज खान था। वो भी अलेक्जेंडर की तरह युद्धों में सभी को हरा कर चलता था। जब हमारे भारत में आगरा टिबेट जो है वहां से लेकर सब बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत जोरों पर था, बौद्ध धर्म बहुत व्याप्त था। लेकिन जब चंगेज खान को पता चला कि धर्म के धर्मावलंबी लोग क्षमा करते हैं, युद्ध नहीं करते, अपने अपने ध्यान में बैठे हुए रहते हैं, तो उसने कहा कि टिबेट से लेकर भारत को जीतना तो आसान है, वो इनके ऊपर पूरी प्रभाव के साथ युद्ध के साथ आया है, मंगोलिया में सेना में ही पड़ता है। उसने कहा इनके ऊपर अगर हम युद्ध करते हैं इनको हम जीत सकते हैं। वो आया और उनके ऊपर प्रभाव लेगा तो बहुत सारे युद्धों में हल बली बन गई कि हमारे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है और इसको रोका कैसे जाए। वो तो हरे को मारते हुए अपने हाथ में लेकर आप गए हैं नहीं पता नहीं, लेकिन लद्दाख के पास शिवानंद की एक नदी बहती है और वहाँ चंद्र पर्वत है जिसके ऊपर कहते हैं तो चंद्रोदक, जिसको ये चंद्रोदक को अगर हम हाथ भी लेते हैं आज भी उसका धारण करते हैं तो किसी भी प्रकार का कैंसर हो कम हो जाता है। कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्र है और वो चंद्रोदक वहाँ मिलता है उस पर्वत पर। मैं श्रीराम जी के पास लद्दाख में मैं देखने गया था, बहुत पर्वत के ऊपर है और वहाँ से कुछ और एक बहुत बड़े पर्वत पर एक बौद्ध स्थान है, वहाँ बौद्ध स्थान में तारा की आराधना करते हैं और बहुत सारे इतने पुराने ग्रंथ जो लाखों ग्रंथ पर लिखे हुए हैं मुझे उसे देखने का मिला। मैं
5-6 साल या 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं वहां गया था। तो उन्होंने जब वहां के बौद्ध धर्म, पहले तो हमें प्रवेश करने नहीं दिया, उन्होंने रोका, अब पैंट डाल के नहीं आ सकते। फिर हमने वहां के वस्त्र खरीदे, फिर उन्होंने यही कहते हुए कहा कि अंदर तारा है, तारा देवी है, तो मेरा आप अंदर क्यों नहीं आने देते। मैं थोड़ी देर के लिए गुरु जी का स्मरण किया और बड़ा बुरी है, अंदर नहीं आने दे रहे क्या है। तो गुरु ने कहा तो कुछ नहीं, तारा मंत्र बोले, मैंने तब तक तारा स्थापना की थी, तारा मंत्र बोले कोई बुलाए। गुरु पास ये हुआ ही कि मैं जैसे ही तारा, बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मैं पूरे साफ फूट पीट सब डाल के फेटरों में सब डाल देता और अंदर ये सब निकाल के जाना तो ठंडी सर्दी बहुत लग रही। मैं शूज निकाल दिया और तारा मंत्र बोलेगा, तो उसके उसमें जो एक बड़ा आदमी बैठा था उसने कहा आप तारा मंत्र बोल रहे। मैंने कहा हमारे गुरु जी का दिया हुआ तारा मंत्र वो बोल रहे। उसने कहा आप अकेले अंदर आ सकते, वहाँ एक प्रथा है, एक सिर्फ रेशमी कपड़ा अपने को पहले आपके ऊपर डाल देंगे, अपने कपड़े की नहीं तो वो कोई तो कपड़ा आपके ऊपर डालकर अपने पास उधर बुला देंगे। तो मैं वो कपड़ा डालकर जब अंदर जाने लगा तो बोला आप तो यहाँ तो पता है सभी लोग पढ़ विद्या से पढ़ लिख सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, आप यहाँ अंदर आने से क्यों मना करते हैं। तो आप धर्मावरणी लिखते हैं तो मैं एक बात बताता हूँ क्या, यहाँ अंदर तारा की मूर्ति है और उसके हाथ में चंगेज खान का सर कटा हुआ वहां अभी लटक रहा है और वो अभी वृंदावन में देखा शिवानंद जी के पास। तो हमने ये कैसे हो सकता है ये तभी से अभी तक वैसा ही है। कहा हाँ, जब बौद्धों पर आक्रमण हुआ था और वो यहाँ से जाना चाह रहा था तो बौद्धों ने जिस क्रिया को किया और उसको रोक दिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए ही मर जा रहे थे, तो उस क्रिया को रोकने के लिए जो हमने किया कि उस क्रिया से उसने कहा वहाँ तक तारा के हाथ में उनका सर आज भी नजर आ। हम ये बौद्धों को देखते हैं कि वो अधर्म हो रहा है तो वहां धर्म को रोकने के लिए उन्होंने भी शस्त्र उठाए, अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने भी शस्त्र उठाए और ये शस्त्र उठाने की क्रिया उन्होंने बताई। और बाद में ये हीनायान, महायान और बुद्धयान नाम की शाखाएं जब आई तो उसमें हुआ ये कि करुणा उनके ऊपर करनी चाहिए, दया उनके ऊपर करनी चाहिए, क्षमा उनको करना चाहिए जो पश्चाताप करते हैं, जिनमें क्षमा पश्चाताप और ईसाई नहीं है उनको क्षमा करना अन्याय है। जो आज अपने से क्षमा मांगता है लेकर और फिर अपने ऊपर अगर आक्रमण करता है तो दुराचारी है और उसको अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर उसी प्रकार की क्रिया हो। तो तब जब ये मारकर सब लोग वहाँ के बौद्ध उसको मारकर बैठे हुए थे तो उन्हें ये लगा कि हमने बहुत ही बुरा कार्य किया, हमने उसको मार दिया है। तब तब उस समय जब बौद्ध थे, बुद्धों में भी बहुत सारे बुद्ध हुए, उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार की हत्या की है और हम यहाँ इसका प्रायश्चित कैसे करें, हमें उसका दुख है। तब जब बौद्ध ने तब के बौद्ध जो थे उन्होंने उनको प्रायश्चित का मार्ग बताया और कहा कि तुमने जो कार्य किया है वो सबकी रक्षा के लिए किया है, लेकिन मारना ये गलत है तो इसका प्रायश्चित भी करेंगे। हम भी देखते हैं रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, रावण अन्यायी था, लेकिन कहते हैं कि गया में आने के बाद उनके पिता ने जब उनसे पिंड नहीं लिया तो उसका कारण होते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी, उसका प्रायश्चित भी प्रभु रामचंद्र जी ने किया था। हम देखते हैं कि रावण अन्यायी थे, अन्याय किया था, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी को उसका पश्चाताप या उसका प्रायश्चित करना पड़ा। तो मारना ये क्रिया है, लेकिन इसके फैसले हम ये भी देखते हैं कि कार्तिक वीरार्जुन को प्रस्ताव देने माना था क्योंकि उनके पिताजी को उन्होंने अन्याय से बहुत सताया था, तो कार्तिक वीरार्जुन को भी प्रस्ताव में माना था, जबकि प्रस्ताव में दत्त होते थे तब कार्तिक वीरार्जुन भी दत्त होते थे, तब उनको प्रायश्चित करने के लिए प्रस्ताव जी को फिर दत्त भगवान की शरण लेनी पड़ी और उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। हमारे जीवन में भी इसी गलती और छोटी थी। तब जिस क्रिया को किया जाता है उस क्रिया को कहते हैं शिष्य अभिषेक दीक्षा। तो शिष्य थे गलती हो गई, जाने से तुम्हारे में जो गुरु मंत्र से या कोई साधना से तुम्हारे में जो ऊर्जा और शक्ति आ रही थी वो शक्ति का उस गलती के कारण फिर तुम्हारी सारी शक्तियां जान के वहां रुक गई, वो गलती करने के कारण, क्रोध के कारण, काम वासना के कारण या किसी हम बुराई करने के कारण जिससे दूसरों को हम दुखाते हैं उस मत को दुखाने के कारण उनसे जो गलती हो गई उसके कारण तुम्हें दुख हुआ या उसको दुख हुआ और उसने तुम्हें श्राप दे दिया या तुम्हारे बारे में बुरा भर कहा तो तुम उसके अधिकारी हुए, उस पाप के अधिकारी हुए।
तो उस पाप से हमें छुटकारा पाना है, तो जब तक उस पाप से छुटकारा नहीं पाते हम हमारे किए हुए साधनों का फल उतनी तीव्रता से नहीं पहुँच सकते, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिना कर्म के। इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ में कहते हैं कि हिमालय महात्मी आपके ना ऐसा कोई कर्म इस संसार में नहीं है जिसका जिस तरह से पाप नहीं होता, हर कर्म में कोई ना किसी किसी तरह का पाप है। लेकिन हेमा तू कर्म को एक प्रधानता देती है इसलिए मेरे कर्म क्षमा कर और तू मुझे मिलकर मुझे प्रसाद ये आशीर्वाद दे कि मैं इन कर्मों के कारण लोगों का कल्याण कर सकूँ। इसी प्रकार हम हमारे जीवन में जितने भी कर्म और प्रायश्चित होंगे हमारे लिए एक काम हम उसका भोग भोगना ही पड़ता है। आप सब लोग कहते हैं कि मुझे हमें इतनी साधना है कि हमें फल नहीं मिला या हमारे साधना तो यह क्रिया बौद्ध संप्रदाय में आज भी शिष्याभिषेक दीक्षा के नाम से जाना जाता है। शिष्याभिषेक दीक्षा का अर्थ होता है कि शिष्य को गुरु का अपनाना, वो गलतियां तो करता है। अब आप देखिए कि हमारे में क्या होता है, पुत्र बड़ा हुआ उसको युद्ध की प्रक्रिया हुई सब सिखाई गई सब कुछ हुआ, लेकिन जब तक उसका राज्याभिषेक नहीं होता तब तक वो राजा नहीं कहलाता, उसके मुकुट का उसके मुकुट को देना चाहूँगा। फिर राजा भी हो या राजकुमार भी हो और उसके दो चार बच्चे हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को राजा नहीं हो जाएगा इसके प्रकार करता है, लेकिन जो अभिषेक हुआ वही राजकुमार या राजा कहलाने के लायक है। उसी प्रकार यह अभिषेक दीक्षा गुरु जी ने प्रथम बार 31-31 जनवरी को अपने गुरु ने आरम्भ कर दी और कहा था कि मैं तुम्हें हर साल तुम्हारे किए हुए सारे गलतियों का जिसके पुराने वर्ष को छोड़कर नए वर्ष में हम नए वर्ष को आते हैं युग का प्रमाण है कलयुग में जनवरी फरवरी पर मानते चैत्र मास को बहुत मानने वाले कम होते हैं, इसलिए गुरु ने प्रमाण इस अंग्रेजी वर्ष का लिया और कहा कि मैं आखिरी वर्ष के ये आखिरी दिन मैं तुम्हारे वर्ष भर में किए हुए सारे गलतियों को निकाल देते हुए फिर मैं शिष्य अभिषेक की दीक्षा लेता हूँ। सम्राट अभिषेक दीक्षा हो सम्राट बनाना हो चक्रवर्ती बनाना हो तो भी मुकुट और किरीट का अभिषेक हो जाता और वो उस सिंहासन गद्दी पर बिठाने के बाद ही वो राजा कहलाया जाता था, चाहे वो शत्रु हो मारा भी हो राजा मारा हो जब तक अभिषेक नहीं होता राजा अभिषेक नहीं होता तब तक वो राजा नहीं कहलाया। उसी प्रकार शिष्य को अपने गलतियों का एहसास नहीं कर सकते, ठीक है आज भी शिष्य थे लेकिन तुम्हारे गलतियों का एहसास तो दिलाने के लिए तो मेरे शिष्य हो। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे उस गलतियों का प्रायश्चित इस वर्ष के प्रायश्चित को मैं करवाता हूँ और तुम्हें शिष्याभिषेक दीक्षा या साम्राज्य राज्याभिषेक दीक्षा का प्रदान करता हूँ ताकि तुम फिर वही शिष्य बनकर मेरे इस पीठ पर बैठे रहो और तुम मेरे शिष्य कहलाओ। तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारी इस वर्ष में की हुई सारी गलतियों को मैं क्षमा करते हुए मैं तुम्हारे ऊपर शिष्याभिषेक करता हूँ और तुम्हें शिष्य के रूप में फिर स्वीकारता हूँ। हमारे वर्ष भर तो गलतियाँ होनी हमारे जीवन में ही हम गलतियाँ करते ही करते हैं, तो इस गलतियों से हम बाज कैसे आए, इस गलतियों से हम कैसे आगे आए, तो इसलिए गुरु जी ने अपने जीवन के 10-12 साल में देखा है कि वे हर 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को यह शिष्याभिषेक दीक्षा का कार्यक्रम किया करते थे केवल इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित करवाकर फिर मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकारता हूँ। तुमने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, गलतियों का प्रायश्चित करवाता हूँ और शिष्याभिषेक दीक्षा करवाता हूँ। इस शिष्याभिषेक दीक्षा में शिष्य को या सम्राट को या किसी को भी राजा को भी गुरु अपने शिष्य को पवित्र बनकर अपने को स्वीकार करने की क्रिया, अगर हम मैं जैसे धोता हूँ तो तुम्हारे शरीर का अभिषेक हो शरीर का मैल निकल जाएगा, मैं मंत्र से धोता हूँ तो तुम्हारी चित्त को धोता हूँ तुम्हारे मन को धोता हूँ और ज्ञान दीक्षा देता हूँ तो तुम्हारे संसार में तुम्हारे कुंडली की जागृत करते हुए तुम्हारी विशिष्ट दीक्षा प्रदान करता हूँ। इस प्रकार तुम्हारे शरीर के मन बुद्धि और शरीर इसको धोने की प्रक्रिया उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को शिष्य अभिषेक दीक्षा कहा गया है। पहले इसको मंत्र पूरित करते हैं, मैंने जो ये रुद्राक्ष आपको कहा था हिमालय से सीधे वैष्णव की तरफ से ही समझो इसी कारणवश हम आने के बाद इस रुद्राक्ष को मैंने 18 दिन बैठकर सिद्ध लिया जो कि सिद्ध मंत्र है, केवल इस रुद्राक्ष को छोने मात्र से ऐसे रुद्राक्ष को गिरा गिरा हुआ जल लेने मात्र से हमारे में वो पवित्रता आती है जो हिमालय में भगवान शिव जी
उनके भूतगणों को, जो भूतगण हम कहते हैं जिससे डरते हैं, प्रेमगणों को, और सभी को इस केवल रुद्राक्ष से जल छिड़कने के बाद वो शिव के भक्त कहलाए जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष को जिसको मैंने 18 दिन साधना करके सिद्ध किया है, मेरे पास किया है, मैं आज इस शिष्या की दीक्षा में उसका अभिषेक करते हुए जलकर जल वगैरह के ऊपर डालता हूँ। तो मैं आपके किए हुए उन सारी चीजों को जो इस वर्ष में आपके साथ गलतियाँ हुई उसका प्रायश्चित करवाता हूँ, और उसके उसके साथ साथ तुम्हें मन से, बुद्धि से और तन से तुम्हें शुद्ध करता हूँ, और मुझे तुम्हें फिर प्रभुजी सर्वदेव की शिष्य के रूप में आने वाले वर्ष तक तुम्हें अपना ही क्रिया करता हूँ, और तुम्हारी साधनाओं की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता हूँ। इसे शिष्या की दीक्षा कहा गया। इसके साथ साथ आज मैंने ऐसा कहा कि हमारे पास पंचे ग्रहों की कुंडली के कारण जो चाटा योग बना, जिसके कारण ये बीमारी फैली, और हम सभी तरीके से आर्थिक समस्या से हो, कर्म की समस्या से हो, अपने लोगों की समस्याओं से हो, और दूसरी समस्याओं से हम पीड़ित हुए। और अभी हमें भय भय लगता था कि बुखार आया तो कहीं कोरोना तो नहीं आया, बाहर गए छींक के तो भी कहीं कोरोना नहीं आ गया। इस प्रकार के डर से हम इन 9 महीनों में या 10 महीनों में हमने हमारे जीवन निकाला। इस भय के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस बृहस्पति भगवान ने जो दूसरे ग्रहों के साथ बैठकर हम पर प्रभाव बता रहे थे, उस प्रभाव को किस प्रकार निकाला जाए, और हमें एक श्रेष्ठता का जीवन जीकर हमारे जीवन में या हमारे घर वालों को उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जो बात भगवान वशिष्ठ महर्षि को बताई थी और कहा था कि तू ये प्रक्रिया करके रख ले, मैं तुम्हारे घर में इसका प्रकोप यानी ऐसी बीमारियों का प्रकोप या ऐसी बीमारियों से बाधा तुम्हारे को होने नहीं देता। मैं भी चाहता हूँ कि वो प्रक्रिया मैंने जो उसमें देखी और निकाली, आपको वो प्रक्रिया से अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब लोग एक मैं बर्गर का पत्ता मल्टी चट्टी का आप दाल बिना पशु तो स्वस्तिकम जीसी हल्दी से सत्ते की काल कर उसके ऊपर तारा माता का बौद्ध तंत्र से सिद्ध किया हुआ कंकण उसके ऊपर रखे हुए बृहस्पति मंत्र को पहले करके बाद में उस कंकड़ को एक विशेष मंत्र से 5 माला करके सिद्ध करके अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप वर्ष भर में और उस पत्ते को 40 दिन घर में रहकर बाद में पास में सज्जित किया जाए या वर्ष भर भी अपने पास रखा जाए तो आपके घर में इस वायरस के आने वाली कोई बीमारियां और आर्थिक स्थिति आपकी कभी फ्री नहीं, आप सतर्कवान होंगे। इसके बारे में एक वशिष्ठ महर्षि ने एक देवी स्तुति बनाई और कहा था कि इस स्तुति को जो पढ़ेगा उसके घर में लक्ष्मी निरंतर उसके घर में वास करेंगे और उसके घर में बुद्धि अक्रम सुख संपदा धनधान्य संपदा सब उसके पास होगी। आज के दिन गुरु योग होने के कारण आज बृहस्पति ग्रह की श्रेष्ठता होने के कारण एक बरगद का पत्ता वर्णवृक्ष का पत्ता आपके सामने लेकर आप ही के हाथों से हल्दी से आप उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर उस कंकण को उस तारा से सिद्ध कंकण को उसमें रखेंगे और मोतियों के माला से एक विशिष्ट जब मैं बोलता हूँ उसको करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जब तक उपलब्ध घर में है आपके घर में कोई वायरस की बीमारी नहीं आएगी। अब इस बात को मैं वैज्ञानिक रीति से तो आपको बता नहीं सकता कि साइंस क्या बोलता है या डॉक्टर क्या बोलते हैं फिर हम क्या दुकान बंद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं शास्त्र के आधार पर बोलता हूँ कि इसको रखने से बृहस्पति श्रेष्ठ होता है और हमारे घर में धनधान्य की समृद्धि होती है, किसी प्रकार के पैसों की कमी नहीं होती, किसी प्रकार की बीमारी जो इस चारणा योग से प्राप्त होने वाली बीमारियां वो बीमारियां हमारे घर में नहीं आती। हमारे घर में बीमारी का आना ही नहीं होता जब तक ये आजकल गुरु श्री रमन में सिद्ध किया हुआ पत्ता आपके पास है। इससे पहले कि वो पत्ते की साधना आप करें मैं उदय महाराज बोलता हूँ कि विशेष से पहले आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए और आपको तन मन बुद्धि और उसे शुद्ध करने के लिए पहले शिष्याभिषेक दीक्षा का मंत्र होगा, उसके साथ आपके ऊपर जल छिड़का जाएगा, उसके बाद एक विशेष चंदन से आपको तिलक कर लें और उसके बाद मैं साधना संपन्न करवाऊंगा। जो साधना आज के लिए आपके घर में आप कहीं भी हो, आपके बच्चे भी दूर रहते हो या कहीं भी रहते हो, उस पत्ते को अगर आपके घर में उस माला के साथ छोटे से बौद्ध माला के साथ आप करते हैं तो मैं विशेष रूप से यहाँ पर निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके घर में कोई भी बीमारी
इस योग के कारण आने वाली हो बीमारी कभी नहीं आएगी और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जॉब नहीं है, कोई मंत्री जॉब नहीं है, जॉब करेगी वो बहुत लोग, लेकिन फिर भी हम प्रभु जी सतगुरुदेव जी की कृपा से जिस तरह जी रहे हैं और जीना चाहिए हम जी रहे हैं, हम अच्छी तरह जिए, सुख संपन्न कार्य साजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, विद्या शक्तिवान हो, सामर्थ्यवान हो, इस क्रिया को भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने जो क्रिया की थी उस क्रिया को मैंने आपको समझा के और कार्य आपके हाथों से करवाना है। मैं अभिषेक मंत्र पहले उदय महाराज बोलेंगे, अभी रुद्राक्ष से रुद्राक्ष को स्नान कराकर उस अभिषेक कलश में अभिषेक का पात्र लिया हुआ है, अभिषेक डालने के लिए वसुंधर जी आपके पास आएंगे और उदय महाराज मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में उस साधना को आपको सुलभ हुआ, जिस साधना से आपकी संपन्नता हो, किसी भी प्रकार की बीमारी और आकस्मिक मरण ना हो, आपके घर में किसी प्रकार की बीमारी से मरण ना हो, यह क्रिया जो करते हैं उनके घर में नहीं हुआ, निश्चित रूप से कहना नहीं होगा, चाहे इसके लिए डॉक्टर भी मुझे चैलेंज करे, मैं ये कहता हूँ। प्रभु जी सतगुरुदेव की कृपा है कि हमने ऐसी साधना को किया है, जब पहले उनको हुआ है और हम हमारे गुरु पर विश्वास करते हैं और हम इस परंपरा को विश्वास करते हैं, तो मैं